दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों 17 मार्च होलिका दहन के दिन गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। रोडपति भी होंगे करोड़पति, अकाल मृत्यु और पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर से भरे रहेंगे अन्न और धन के भंडार। माता लक्ष्मी का सानिध्य आपके ऊपर रहेगा और आशीर्वाद और कृपा माँ लक्ष्मी के आपके ऊपर बरसती रहेगी। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप तक समय समय पर इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। साथियों होली हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। होली को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। साथियों दीपावली के बाद होली को हिंदुओं का मुख्य त्योहार माना जाता है। होली का त्योहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। उससे पहले 17 मार्च को गुरुवार के दिन होली का दहन होगा और 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार रंगों का त्योहार यानी के होली मनाई जाएगी। दोस्तों होली का दहन को छोटी होली भी कहा जाता है और इस दिन लोग होली का पूजन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें होलिका दहन के दिन बहुत से लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए विशेष प्रकार के टोने टोटके करते हैं, जिससे उनके जीवन में आ रही बाधाएं और परेशानियां समाप्त हो जाएं। दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके, तब विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों होलिका दहन के दिन विशेष और शुभ योग बन रहे हैं जो व्यक्ति की मन्नतें पूरी करने का मादा रखते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन विशेष फलदायी साबित होगा, क्योंकि इस बार गुरुवार को भगवान विष्णु का वार है जो 17 मार्च 2022 को है। 18 मार्च 2022 होलिका दहन के दिन जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। दोस्तों ऐसे में आप कुछ विशेष उपाय कर माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त होंगी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन होलिका दहन के समय उपाय करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी कष्ट समाप्त होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आपको होलिका दहन के समय गुरुवार की शाम को करना है और किसी को बिना बताए और बिना देखे। दोस्तों ऐसी मान्यता है, प्रचलित है, गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, परंतु हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। कहते हैं दोस्तों गौमाता मनुष्य की सारी विपत्तियों को अपने ऊपर से हर लेती है। दोस्तों इस उपाय को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल सके। दोस्तों इस बार होलिका दहन के समय किसी काली गाय को सरसों के तेल से चिपड़कर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊपर से उतारकर चुपचाप काली गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपकी शनि की महादशा तुरंत समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।